व्हाट्स अप, आई एम शालिनी। वेलकम टू बंसल ट्यूटोरियल। जैसा आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जिसे पता है उसे तो ठीक है, पर जिस जो इस चैनल को पहली बार देख रहा है, जो यहाँ पहली बार आया है, ये उनके लिए है। यहाँ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रोज मंडे टू सैटरडे। जितने भी एसएससी में जितने भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बेसिकली यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। अभी तक हम काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो और आपको और भी क्वेश्चंस देखने हैं तो आप डायरेक्टली बंसल ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हमने पॉलिटी के स्पेसिफिकली कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं आपके हिस्ट्री के, और हमने कुछ मिक्स क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। आपको सारी वीडियो की जो लिंक है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एंड आप डायरेक्टली बंसल ट्यूटोरियल के चैनल पे जाके भी देख सकते हो। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हो तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है आपका, हु अपॉइंट एंड डिसमिस द गजेट ऑफिशियल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट? कौन केंद्र सरकार के अधिकारी राजपत्रित को नियुक्त और खारिज करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और या फिर द फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो बताइए इसका आंसर क्या है। आप क्या किया करो, जब भी आप क्वेश्चन देखा करो स्क्रीन पे, तो आप उसका आंसर या तो कहीं लिख लिया करो ताकि आप लास्ट में वीडियो के लास्ट में एनालाइज कर पाओ कि क्या इसका आंसर, कितने आप स्कोर कर पा रहे हो। अगर आपका स्कोर अच्छा है तब तो कोई बात नहीं है, अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो आपको देखना है कि आपको मेहनत कहाँ और ज़्यादा करनी है ताकि आपका स्कोर बढ़े। और स्कोर कम आ रहा है तो घबराना नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहो, स्कोर आपका इवेंचुअली इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या है, आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो इसका आंसर। तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो जो है वो अपॉइंट करता है आपका गजट ऑफिशियल, जो गजट ऑफिशियल होते हैं उसको अपॉइंट और डिसमिस कर सकता है यूनियन गवर्नमेंट के। तो यही लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट क्या होता है? एग्जीक्यूटिव हेड होता है यूनियन गवर्नमेंट का। जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होते हैं इंडिया में वो उसके नाम पे ही होते हैं, उनके ही नाम पे होते हैं, और डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उनके द्वारा किए जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ देम आर रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट, और उसमें से कुछ जो लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग जो प्रेसिडेंट के द्वारा ही रिमूव भी किए जाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं ऑफिस को होल्ड करते हैं, मतलब अपने पद पे तब तक रह सकते हैं जब तक कि प्रेसिडेंट चाहते हैं। तो प्रेसिडेंट के प्लेजर के अनुसार वो इंसान जो भी है जो पद को होल्ड कर रहा है वो तब तक रह सकता है, और जो गजटेड ऑफिशियल है यूनियन गवर्नमेंट का वो अपॉइंट और डिसमिस किया जाता है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा। इसलिए यहाँ पे मैंने ओनली लिखा है, और ओनली को मैंने अलग आप कह सकते हो कलर से मैंने दिखाया है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है, ये ओनली जो वर्ड है ये नहीं भूलना है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही है जो उसको हटा सकते हैं और उसको अपॉइंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिल्वर कॉइन टंका वॉज इंट्रोड्यूस बाय, चांदी का सिक्का जो टंका था, ये टंका होगा यहाँ पे, किसके द्वारा पेश किया गया था बताइए? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, बलबन के द्वारा, या बायराम खान के द्वारा? तो बताइए किसके द्वारा सिल्वर कॉइन जो है आपका टंका वो इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका आंसर है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इनके द्वारा। ये स्लेव डायनेस्टी को, ये स्लेव डायनेस्टी से बेसिकली बिलोंग करते थे, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सिल्वर कॉइन टंका, और कॉपर कॉइन भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जिसको जित्तल बोलते हैं। तो देखें आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। कॉपर कॉइन की इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था जित्तल। आपसे पूछ सकता है कि कॉपर कॉइन जित्तल था, जिस नाम कॉपर कॉइन जो है वो जित्तल के नाम से किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो आपको ध्यान रखना है कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं हम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्टिकल 60 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू, कौन सा आर्टिकल जो 60 है वो क्या बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में ये बात करते हैं, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात करता है,
इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग, जो राष्ट्रपति को हटाना है उसके बारे में बात करता है, या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बात करता है। तो बताइए किसके बारे में बात करता है आर्टिकल 60 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जो आर्टिकल का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछता है एसएससी में। आप किसी भी वन डे एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसमें आर्टिकल का क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम ऐसा कर लेंगे कि हम रोज़ एक आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको आर्टिकल जो है वो लर्न हो जाए बहुत अच्छे तरीके से और आप उसको ना भूलो। तो चलिए इसका आंसर बताओ, आर्टिकल 60 किसके बारे में बताता है। तो आर्टिकल 60 जो है वो ओथ के बारे में बताता है, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। आपको याद कैसे करोगे, देखो 60 में जीरो आ रहा है और जीरो जो है ओथ का पहला वर्ड है, ओ जीरो की तरह दिख रहा है ये, तो ओथ आपको 60 से ओथ आपको याद रहना चाहिए। आप इस तरह से एक ट्रिक बना के याद कर सकते हो इसको। तो आर्टिकल 60 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। ओथ जो प्रेसिडेंट जो लेते हैं, जो शपथ लेते हैं, वो आर्टिकल 60 इसके बारे में बात करता है। और ये जो आर्टिकल है वो बताता है कि ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय, ओथ जो है प्रेसिडेंट का वो एडमिनिस्टर्ड किया जाएगा, किसकी देख रेख में किया जाएगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की देख रेख में किया जाएगा। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर एब्सेंट हैं, अगर वो अपने पद पे नहीं हैं, किसी कारणवश नहीं कर संभाल पा रहे हैं अपना पद, तो उनकी जगह पे कौन करे, कौन दिलाएगा ओथ, तो सीनियर मोस्ट जज, जो सबसे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उनके द्वारा क्या होगा, ओथ दिलवाया जाएगा प्रेसिडेंट को। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ओथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को, तो आपको याद रखना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। तो यहाँ पे हम दो क्वेश्चन डिस्कस किया है हमने, तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट ज़रूर अच्छे से सुने। यहाँ हम 10 क्वेश्चन नहीं, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करते हैं, तो आपके कॉन्सेप्चुअल स्टडी भी यहाँ हो जाती है 10 क्वेश्चन के साथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द चोला टेम्पल वे डेडिकेटेड टू, चोला टेम्पल है वो किसको डेडिकेट किया गया है, विष्णु को, शिवा को, ब्रह्मा को या दुर्गा को। तो बताइए चोला टेम्पल जो है वो किसके द्वारा, किसको डेडिकेट किया गया है। ज़्यादातर जो चोला टेम्पल हैं, तो ज़्यादातर जो आपके चोला टेम्पल हैं वो शिव को डेडिकेट किया गया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे ज़रूर आ जाते हैं कि एक वर्ड के आंसर होते हैं कि ये टेम्पल किसने इस्टेब्लिश किया था, किसके किसको समर्पित था ये टेम्पल। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते रहते हैं एसएससी में, तो और या किसी वन डे एग्ज़ाम में, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन को ध्यान में रख के किसी ट्रिक से याद कर लो या देखते रहो, तो आपको याद हो जाएगा, तो आपका एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चोला बताइए कौन से आपके स्टेट में राज्य किया करते थे। जैसा आपको पता है साउदर्न जो स्टेट है, चोला, चेरा और पांड्या, इसके बारे में बेसिकली बात करता है। इन्हीं का साम्राज्य जो है वो फैला हुआ था आपके साउदर्न स्टेट में, और संगम लिटरेचर जो है वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है कि साउथ में कौन से शासक कब आए, और इस बारे में जो है हमें जो सोर्स मिलता है वो हमें संगम लिटरेचर से मिलता है, जिसमें चोला, चेरा, पांडे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर कहलाते हैं। और जो चोला जो होते हैं वो केरला और तमिलनाडु वाले हिस्सों में क्या करते हैं, राज्य करते हैं, और चेरा जो है वो तमिलनाडु में करते हैं, और पांड्या क्या है, साउदर्न पार्ट जो होता है तमिलनाडु के उसमें करते हैं। चलिए आंसर मैंने ही आपको बता दिया। अगर आपको हिस्ट्री अगर बहुत इलैबोरेट फॉर्म में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो आप इस चैनल पे पढ़ सकते हो हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके। मैंने 6th क्लास की NCERT ऑलमोस्ट कवर हो कर ली है, तो आप वहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना चाहते हो, तो आप 6th क्लास की NCERT वहाँ से पढ़ सकते हो। तो आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ग्रुप वेयर इज ए, ग्रुप वेयर क्या है, एक हार्डवेयर है, नेटवर्क है, सॉफ्टवेयर है या फर्मवेयर है। बताइए कि एक ग्रुप वेयर है, क्या है ग्रुप वेयर। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपके एसएससी में आते रहते हैं। तो बताइए ग्रुप वेयर किससे रिलेटेड है। तो ग्रुप वेयर जो है वो एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है,
ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है, तो क्या ये कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर है। जैसे कि मान लो आप कोई ए जगह पे बैठे हो और बी जगह पे कोई अलग आपका दोस्त बैठा है, आपको इस बंदे का कंप्यूटर जो है वो देखना है कि ये क्या काम कर रहा है, या इसको कुछ बताना है कि ऐसे ऐसे आपको काम करना है। तो आप अपने कंप्यूटर से इसके कंप्यूटर में विजिट कर सकते हो। तो किसकी सहायता से कर सकते हो, तो ग्रुपवेयर सॉफ्टवेयर है उसकी सहायता से कर सकते हो। देखिए लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में आप एक दूसरे के घर में क्या है, विजिट नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा आप कम्युनिकेट कर सकते हो एक दूसरे से, और काफ़ी सारी चीज़ें आप टीम व्यूअर जैसा हो गया, या और भी अदर जो चीज़ें होती है, एनी डेस्क हो गया। तो ये सब क्या, एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको हेल्प करता है बहुत सारी चीज़ों को सीखने में, जो रिमोट लोकेशन में जो लोग रहते हैं उनसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निमोनिया इज ए बैक्टीरियल डिजीज काउज्ड बाय द टाइप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड। निमोनिया जो डिजीज है वो एक बैक्टीरिया से कॉज होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। तो वो बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, पहला है बेसिली, दूसरा है कोकी, तीसरा है स्प्रीली, और फिर चौथा है वाइब्रियो, विब्रियो। तो बताइए किससे होता है बैक्टीरिया, किससे होता है निमोनिया, कौन सा बैक्टीरिया है। तो इसका आंसर है आपका कोकी, कोकी बैक्टीरिया से होता है निमोनिया। और जो बैक्टीरिया का नाम है वो है बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसको भी बोलते हैं। और ये बेसिकली रहते कहाँ हैं, तो ये नाक में रहते हैं, आपके नोज में रहते हैं, थ्रोट गले में रहते हैं। किसी भी हेल्दी पीपल के आप कह सकते हो उनके नोज और थ्रोट में ये पाए जाते हैं। और इस इट दे अकर इन फॉर्म ऑफ कोकस, ये कोकस के फॉर्म में अकर होते हैं, कोकस के फॉर्म में ये रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ऑल्सो नेम्ड एज, जो ईस्टर्न, जो ईस्ट कोस्ट वाला जो रीजन है उसको और किस नाम से जाने जाता है। देखिए ये आपका वेस्टर्न कोस्ट हो गया, ये आपका ईस्टर्न कोस्ट है, ये इंडिया का साउथर्न पार्ट है। तो ये बात कर रहा है कि ये जो ईस्टर्न कोस्ट है उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो कोंकण कोस्टल प्लेन, गुजरात प्लेन, कोरामंडल कोस्टल प्लेन और मालाबार कोस्टल प्लेन। तो बताइए किस नाम से जाना जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को। तो इसका आंसर है आपका सी, ये जो है आपका कोरामंडल कोस्टल प्लेन से जाना जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और आप ये तीनों पता करो कि कौन से कोस्ट को ये माना जाए, ये कहा जाता है, इस प्लेन से नाम से जाना जाता है। देखिए आज ये क्वेश्चन पूछा है तो कल आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा के। तो ज़रूरत ये है कि आप जब भी कोई क्वेश्चन देखो तो उसके चारों ऑप्शन के बारे में जानो, ताकि आपको आगे जो दूसरे क्वेश्चन आएंगे उस ऑप्शन से तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो आप कॉमेंट सेक्शन में बताओ कोकण जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो किस प्लेन को कहा जाता है, मालाबार कोस्टल प्लेन कौन से प्लेन को कहा जाता है, तो ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये कोरामंडल प्लेन कहलाता है, इधर वाला जो प्लेन है वो कोरामंडल प्लेन कहलाता है। दिस प्लेस लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल। देखिए ये आपका ईस्टर्न घाट हो गया, ये आपका वेस्टर्न घाट हो गया, ये आपका बे ऑफ बंगाल, ये आपका अरेबियन सी। तो ये बात कर रहा है कि ईस्टर्न घाट और ये बे ऑफ बंगाल के बीच में लाए करता है आपका ये जो भी प्लेन है। तो जो एंशियंट टाइम जो था, चोला डायनेस्टी का रूल ओवर दिस रीजन एंड द लैंड वाज कॉल्ड चोला मंडल, जो लैंड था वो चोला मंडल लैंड कहलाता था। फ्रॉम वेयर दिस प्लेन डिराइव नेम कोरामंडल, और वहाँ से इस प्लेन का नाम जो डिराइव हुआ है वो पड़ा है कोरामंडल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज, जो फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है इंडिपेंडेंट इंडिया का वो क्या है, भाखड़ा नांगल या दामोदर, हीरा कुंड और नागा अर्जुन सागर। तो बताइए कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट माना जाता है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, बताइए कमेंट सेक्शन में। तो ये आपका जो है वो दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है, ये आपकी भारत की पहली मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। और दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो ऑपरेट किया जाता है वो हाइडल पावर स्टेशन के द्वारा क्या है, वो ऑपरेट किया जाता है और कंस्ट्रक्ट किया गया है इसको दामोदर रिवर पे। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ द रिजल्ट ऑफ, जो डिवीज़न डिवाइड कर दिया जाता है लेबर को वो किसका रिजल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड वर्क का, एक्सेसिव प्रेशर का,
या फिर एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर या फिर स्पेशलाइजेशन। तो बताइए किस वजह से डिवाइड किया जाता है लेबर को? तो इसका आंसर है आपका स्पेशलाइजेशन की वजह से डिवीजन ऑफ लेबर किया जाता है। देखिए क्या होता है कि किसी एक कंपनी में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे बंदे वहाँ काम कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए काम है आपका ए बी सी डी, तो बंदे हैं आपके पास आठ, आठों की क्या होगी अलग अलग क्षमता होगी काम करने की, अलग अलग स्पेशलाइजेशन होगा जिसमें वो महारत हासिल होगा उनको कोई ना कोई काम करने में। तो क्या होता है हर बंदे को डिफरेंट डिफरेंट काम दे दिया जाता है कि ए बंदा ये काम करेगा, बी बंदा ये काम करेगा, सी बंदा ये काम करेगा और डी बंदा ये काम करेगा, और उसके स्पेशलाइजेशन के अनुसार उसको ये काम दिया जाता है ताकि वो काम और भी इफेक्टिव तरीके से हो सके। देखिए आप जिस काम में अगर महारथी हो, आपको अगर वही काम दे दिया जाए तो उस काम को आप बहुत अच्छे से करोगे। इसीलिए डिवीज़न ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट आया कि जो जो बंदा जिस काम में स्पेशलाइज्ड है, जो बंदा जिस काम को अच्छे से कर सकता है उसको वही काम दिया जाए ताकि वो काम बहुत ही परफेक्टली करे और अच्छे से करे। आपको आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास वेर द फाउंडर मेंबर ऑफ, किसके फाउंडर मेंबर थे मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फॉरवर्ड ब्लॉक, सोशलिस्ट स्वराजिस्ट पार्टी और स्वराज्य पार्टी। तो बताइए किसके इसके फाउंडर मेंबर थे, कौन संस्थापक सदस्य थे इसके, कौन से इसका था, कौन से किसके मेंबर थे, बताइए कौन से पार्टी थी इंडिया की? तो इसका आंसर है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। इन्होंने 1923 में स्टैब्लिश किया था स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास जो उसके थे फाउंडर मेंबर थे और इलाहाबाद में इसको क्या किया था, स्टैब्लिश किया था। तो आई होप गाइज आपने ये 10 क्वेश्चन इंजॉय किया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करा करो, आप लोग लाइक नहीं करते हो, और अगर अच्छा ना लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन अगर कोई भी डिसलाइक करता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो कि डिसलाइक क्यों कर रहे हो वीडियो को, ताकि नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर सकें। देखो जब बताओगे नहीं तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, तो इसलिए बताया ज़रूर करो ताकि मैं भी इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आपका कोई अगर सजेशन है जिस जो आप चाहते हो वीडियो में ऐड करना, आप सजेशन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ऐड ऑन कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लोगों से शेयर भी करो ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुँचे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियो की। आप फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे इस सारे वीडियो की पीडीएफ जितनी भी अभी तक हमने बंसल ट्यूटोरियल पे लिया है वो आपको अवेलेबल मिल जाएगी टेलीग्राम पे। चलिए कल फिर मिलेंगे 10 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।